जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग, जो लोग भी अग्निवीर की भर्ती देखना चाहते हैं या जो लोग इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, उसकी भर्ती देखना चाहते हैं, उनके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से सूचना जारी हुई है। जो सूचना जारी हुई है आपको हम बताना चाहते हैं। उस सूचना का मतलब यही है कि आप जो भी भर्ती देखने वाले हैं, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हमारे हैं कि इस बार अग्निवीर की भर्ती हो या नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती हो, उनका आधार कार्ड लिंक न होने के वजह से बहुत से लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया गया है। तो गवर्नमेंट के तरफ से ये सीधा साधा सिंपल सा एकदम आपके सामने नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो जानकारी जारी हुई है वो आप लोग देखिए। वो देखने का तरीका आपको हम बता देना चाहते हैं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट जो है, उस पे आप जाकर के इसकी सूचना को आप देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आपका वो नंबर स्टार्ट रहना चाहिए। अब ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर बंद है, ऐसे हालात वहां पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपका जो मैट्रिक मैट्रिक बोले तो 10 पास का जो सर्टिफिकेट है ना, जो चीज उस पे आपका है डेट ऑफ बर्थ या तो नाम, नाम की मीनिंग स्पेलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सेम टू सेम आधार कार्ड पे वही रहना चाहिए। जो मम्मी का, यानी मम्मी का तो उस पे होता नहीं आधार कार्ड पे, तो सिर्फ मार्कशीट पे होता है, लेकिन पापा का यानी फादर्स नेम जो उस पे मार्कशीट पे है, सेम उस पे भी रहना चाहिए। और एड्रेस आपका, आपने निवास प्रमाण पत्र जो बनवाया है ना, उसी के हिसाब से आपका आधार कार्ड पे रहना चाहिए, ताकि आप कभी भी दूसरे जगह से भर्ती न देख सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को ज्वाइन इंडियन आर्मी पे शेयर कर दिया गया है, ताकि लड़के कहीं दूसरी जगह भर्ती न देख सकें। आप लोगों के ऊपर जो गलतियां करते हैं, उन लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। तो आप लोग चलिए उस जानकारी को देख लीजिए, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ही जल्द अग्निवीर का फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है, फरवरी लास्ट में या तो मार्च स्टार्टिंग में फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, उससे पहले पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, ताकि आप अपना जो कुछ करना चाहते हैं अपना समय रहते कर लीजिए, ताकि आपको भर्ती में वहां जाने के बाद छटना न पड़े और पिटना न पड़े। क्योंकि भाई आप गलती करते हैं पिट जाते हैं, गलती आपकी होगी तो भुगतना आपको होगा। इसलिए वो पहले से आपको सजग कर रहे हैं कि आप जो गलती कर रहे हैं उस गलती को न करिए, और आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, ताकि फॉर्म जैसे ही आए आप सीधे फॉर्म को अपना भर सकें। तो देर न करते हुए चलिए आपको वो जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो साइट है उसको देखने का तरीका। बहुत से लड़के ऐसे हमारे दोस्त भाई हैं कि वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट को खोलना नहीं चाहते, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप लोग यार उस चीज को सीखिए, जाने समझिए कि हाँ यार मैं खुद अपने से उस चीज को देखूं, जानू समझूं। तो देर न करते हुए चलिए उस चीज को आपको हम दिखाते हैं, उस चीज को भी आप सीखिए। तो चलिए सीधे आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे लेकर के हम चलते हैं। आप जैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी खोलिएगा ना, तो पहला जो यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको हम दिखाना चाहते हैं, आप इस तरह से नीचे जाइएगा, और नीचे जाने के बाद इसमें जो भरना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने कैप्चा आप देख सकते हैं यहाँ पे है, उसको लिखना रहता है M4 6 RTPE। इस तरह से लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं M4 6 RTE हो गया। फिर इस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक होता है आपके सामने इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है पूरी तरह से खुल करके आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस चीज को, आप इस तरह से नीचे करते हुए जाइएगा। इस तरह से आप जैसे नीचे जाते हैं तो जो भी जानकारी रहती है आपके सामने इस तरह से वो दिखने लगेगा, जो भी भर्ती की जानकारी रहती है ऐसे के। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा ना, तो यहाँ जो लिखा हुआ है सभी देखें, सभी को देखें, यहाँ पे देख सकते हैं। आप हिंदी में आपको हम दिखा रहे हैं, ताकि बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो इंग्लिश में नहीं उस चीज़ को समझ पाते हैं, इसलिए आपको हम हिंदी में ही दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब जानकारी इंग्लिश में रहती है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम हिंदी में दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद इस पे क्लिक करिएगा, सभी को देखें। आप चाहें तो यहाँ से मतलब इस चीज को इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। सूचना आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में, सभी आवेदकों से
अनुरोध है कि वे पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करें, यानी कि आप फॉर्म भरने से पहले आधार से अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करें और अधिमानत डिजी लॉकर खाता रखें। देखिए, डिजी लॉकर खाता आपको रखना है ताकि आप उसमें अपना डॉक्यूमेंट रख सकें, आपको अपना डॉक्यूमेंट उसी में रखना है। डिजी लॉकर खाता होता है जो कि आप प्ले स्टोर से जा कर के उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप उसमें रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका डॉक्यूमेंट उसमें रहेगा तो ओरिजिनल के ही जैसे मान्य होगा। आप यदि अपना डॉक्यूमेंट घर पे भी रख सकते हैं, आप डिजी लॉकर से उस डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं ताकि वहाँ पे मान्य होगा। डिजी लॉकर एक ऐसा लॉकर है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया लॉकर है कि इसमें आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक बार स्कैन करके रख लीजिए ताकि आप कहीं भी जाएं तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि बहुत से भाई हमारे ऐसे होते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेकर जाते हैं और रास्ते में उनका बैग चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर एप्लीकेशन को लॉन्च करवाया है जिसमें आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट कहीं भी यदि चेक होता है तो वो मान्य होगा। तो आप लोग भर्ती प्रक्रिया में जाने से पहले अपना डिजी लॉकर में अपना हर एक डॉक्यूमेंट रख लीजिए ताकि भर्ती में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भूलना न पड़ जाए। क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि हम अपना कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया में हमको प्रॉब्लम होने लगती थी। तो अभी ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसलिए आप डिजी लॉकर में हर एक डॉक्यूमेंट अपना रखिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे थोड़ा सा देख लीजिए, आवेदकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड में उनका नाम और जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही है, यानी कि आपका आधार कार्ड में जो नाम है सेम वही नाम आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक बोले तो हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है आपका ना, सेम उस पर भी वही रहना चाहिए। बहुत से हमारे भाई इसमें भी छट करके वापस आए हैं कि उनका आधार कार्ड में कुछ और मीनिंग था और मार्कशीट में कुछ और था, तो सेम स्पेलिंग आपका रहना चाहिए। देखिए, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये सब जानकारी इसलिए आपको लोग दे रहे हैं ताकि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट हो आप उसको सही कर सकें। और ये जानकारी ज़्यादा दिन अभी हुआ नहीं, फरवरी 2, आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2023 यानी कि कल के डेट में ये सूचना जारी हुई है। अधिसूचना को आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि यदि आप ध्यानपूर्वक नहीं देखिएगा तो छट जाइएगा भर्ती में जा करके। तो यही जानकारी थी दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको कोई भी सूचना हो तो हमारे माध्यम से आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद यदि किसी को कोई चीज न समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकता है। और यही सब जानकारी थी, आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सही रखिए, अच्छे तरीके से रखिए ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत न हो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।